देख सकते हैं सब मुर्गियां बंद हो चुकी हैं और मैंने सब सफाई कर दी है। और ये प्लांट अभी भी पूरा चट नहीं हुआ है। और जो मज़ेदार चीज़ है वो यहाँ है, मैं छत पर काम कर ही रही थी तब मुझे एक एक करके कुछ दो अंडे तो मुझे मॉर्निंग में ही मिल गए थे। और जो इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैंने आज खुद डिस्कवर की वो मैं शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं भी कोई प्रोफेशनल मुर्गी पालक नहीं हूँ, मैंने भी फर्स्ट टाइम ये शुरू किया है। तो जब भी शोर मचता है, मुर्गियाँ बहुत ज़्यादा शोर मचाती हैं, तो मैं जब मुर्गियों ने अंडा खाना शुरू कर दिया तब मैंने इस चीज़ को नोटिस किया और आना आके देखती थी तो अंडा मिल जाता था, कभी कभी खा चुकी होती थी। पर ये समझ में नहीं आता था कि शोर कैसे होने लगता है। आज मुझे ये बात क्लियर हो ही गई। आज जब मैं सफाई कर रही थी सब धुलाई, तब ये मैंने पहले ही देखा था कि एक मुर्गी अंडे को, ये सोनू देखिए बोलने नहीं दे रहे, एक मुर्गी अंडा देने के लिए बैठी हुई है। फिर मैं जाने लगी सब धुलाई करने के बाद, तब एकदम से शोर मचा। तब फिर मैं अंदर आई तो देखा कि जो मुर्गी ने अंडा दिया है वही डोर स्टेप पर खड़ी है और उसने कोई कों कों करके आवाज़ निकाली है कि मैंने अंडा दे दिया, तब ये सारे लोग शोर मचा रहे हैं। पहले मुझे ये तो समझ में आ गया था कि शोर मचाते हैं तो अंडा दिया जाता है, पर कौन सिग्नल देता है ये नहीं पता था। अब ये देखिए आज सोनू महाशय पूरी तरह से मिट्टी में धुलाई कर रहे हैं अपनी। आज मैंने परी को भी धरी बंद कर दिया और वो छोटू भी खड़े हैं और ये एक और भूरी मैडम भी अंदर सफाई में लगी हैं। आज परी खुश नहीं है, ये कह रही है मैं तो क्यारी में ही करती, यहाँ क्यों ले आए। तो चलिए, मैंने आपको इतना इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया, हो सकता है आपको पहले से मालूम हो, पर मेरे लिए ये एक न्यू डिस्कवरी थी। ये देखिए ये तीन गार्ड्स खड़े हैं, मैंने पानी से इनकी मिट्टी को भी हल्का हल्का छिड़क, पानी पर भी हल्का, सॉरी मिट्टी पर भी हल्का हल्का पानी छिड़क दिया है ताकि इन्हें गर्मी ना लगे और ये धूल कम उड़े। इस वाले में सिर्फ एक काली परी है और ये उनके, लीजिए इन्होंने अपना इंट्रोडक्शन खुद दे दिया कि मैं आशिक हूँ। एक काली मैडम उधर बंद है क्योंकि मुझे लगता है वो अंडा दे चुकी हैं और वो अंडा खाने में काफ़ी इंटरेस्ट दिखाती हैं, इसलिए मैंने उन्हें उधर बंद किया है। देखते हैं अब कोई और अंडा देने बैठा है। जी हाँ, एक और मुर्गी अंडा देने बैठी है अब, यानी मुझे फिर से आना पड़ेगा। जब कोको की आवाज़ आएगी, देखिए देखिए मैंने झाँका, मैं अंदर नहीं गई क्योंकि मेरी चप्पल में फिर से मिट्टी लग जाएगी। तो ये इतनी देर में ये तीनों बाहर आ गई हैं, मैं इनको भगाती हूँ। लीजिए सब आ गए। चलिए तो फिर मैं अपना ट्रेजर लेके नीचे चलती हूँ। बाय।